हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, वो भी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन्स में। तो ये जो वीडियो है ये मुझे कमेंट आया था कि उन्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए एग्जाम आपके बहुत ही ज़्यादा नियर है और टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें से 100% आएगा यहाँ पर, बट 80% जरूर यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या समझना है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिए क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नंबर इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो है हमें कौन कौन सी यहाँ पर जरूरी है, कौन से चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में कौन कौन सी है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारे, देखिए सेंट मेयर रिएक्शन। ठीक है, सेंट मेयर रिएक्शन हमारे सबसे फर्स्ट नंबर पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, फिटिंग रिएक्शन। उसके बाद आपको पता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और जो ये तीनों रिएक्शन है आप इसको 11th में भी पढ़ चुके हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नंबर पे क्या है, फ्रैंकलिन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ नंबर पे क्या है, स्वैट्स रिएक्शन। अब ये छह इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद सेवंथ नंबर पे देखिए, सेवंथ नंबर पे कौन सी हमारे, फिंकलस्टेन रिएक्शन, और एक है हेलोजन एक्सचेंज। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन से हमारी किसके चैप्टर नंबर 7 के। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूरी नहीं है कि यही जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन से ये सारी आए, इसमें एक और जोड़ना चाहूंगा मैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यहां पर दो रिएक्शन होती है, कौन कौन सी, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन, तो वो दोनों आपको पढ़नी। तो यहां पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन ही आएंगे, इसके कॉन्सेप्ट जो यूज होते हैं, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे एग्जाम में कि आपसे पूछा जाता है कि ये हमारा एक प्रोडक्ट दिया हुआ है तो रिएक्टेंट क्या होगा, या फिर कभी ये दिया होता है कि ज्यादातर यही होता है कि ये हमारे दो रिएक्टेंट दिए हुए तो इसका प्रोडक्ट क्या बना होगा। तो अगर आपको ये जो रिएक्शंस आपको पता है इसके कॉन्सेप्ट कौन से लगते हैं, किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, तो आप इसके हेल्प से क्या करते हैं कि वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शंस नहीं है बट ये क्या है हमारी, देखिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में नहीं आती बट इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन, और सेकेंड नंबर पर आपको पता होगा एडिशन रिएक्शन। तो इनके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, इन सभी रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट, और साथ में आपको ये रिएक्शंस भी बननी चाहिए। ठीक है, बेसिकली ज्यादातर कौन कौन सी रिएक्शन से पूछता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये रिएक्शन और आपकी कौन सी, देखिए ये वाली वुड्स फिटिंग और वुड्स और ये वाली चार रिएक्शन के कॉन्सेप्ट पे ही पूछा जाता है, ये चार पांच रिएक्शन के कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रिएक्टेंट दे इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, या फिर आपकी ये नेम रिएक्शंस पूछी जाती है, तो इसको आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इसको मैं रफ करता हूँ, आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके बाद हमारी आगे की वीडियो पे, और अगर आपको ये वीडियो यहां तक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, देखिए तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है यहां पर,
सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है यहां पर बाय, ठीक है, न्यूक्लियो फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज लेस रिएक्टिव टू वर्ड्स एराइल हैलाइड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है, और दूसरा इसके और में, ठीक है, बाय एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड। तो ऐसा क्यों होता है कि एराइल हैलाइड ज्यादा एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है एराइल हैलाइड से और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है लेस रिएक्टिव क्यों है एराइल हैलाइड के टूवर्ड्स यानी उसकी तरफ। तो ऐसा इसका रीजन देखो, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, या फिर एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है और में करके कि बाय एल्काइल की जगह एराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड। तो इन तीनों क्वेश्चन का एक ही रीजन है। देखिए, सबसे पहला रेजोनेंस, ठीक है, उसका दूसरा क्या है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और तीसरा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोसिल ग्रुप, ठीक है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, आप मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है, मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है बोर्ड पे, ठीक है, और वैसे भी अच्छी नहीं है ज्यादा, तो बस आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये इसके रीजन है, मैंने आपको रीजन ही बता दिया कि कौन कौन से है, ठीक है। तो आप इन तीनों रीजन को अगर करेंगे तो आप तीन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट डिक्शन, दूसरा ये। अब इसके बाद मैं लास्ट कर बता देता हूं आपको, इसके बाद हमारे खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर ज्यादा कुछ मैं नहीं आपको बता रहा हूं, आप अगर ने इतना प्रिपेयर कर लिया आपने तो आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद आपको बताता हूं आगे की कहानी। तो आगे की कहानी क्या है, यहां पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, एस एन वन, ठीक है, एंड एस एन टू, उसको आपको पता है क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनि मॉलिक्यूलर, और सेकंड को आपको पता है क्या कहते हैं, ये दोनों सेम ही रहते हैं, ठीक है, यहां पे क्या जाता है बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके, आपके चैप्टर 10 एलोएल्केन एंड हैलोजन्स पे। और अगर आपको और किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिएक्शन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था उस पर मैंने वीडियोस बनाई है, ठीक है, उस और मैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो तो बनाऊंगा ही, ठीक है। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, मेक इजी लर्न इजी।